हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार विरोध करती है। इसी के पहले पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को असंवैधानिक घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाने को लेकर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है। बता दें कि पार्टी नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के हर एक्शन का विरोध करते रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने घाटी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही अमरनाथ यात्रा रोके जाने और स्पेशल एडवाइजरी जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। और अब धारा 370 हटाए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका लगातार विरोध कर रही है और अब इसके चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।